ओ भाई गॉड व्यूज, ये इतना बड़ा पंजा है भाई, ये इसका वो है। सो गाइस हमको यहाँ पे दो भालू दिखे हैं। सो हे गाइस, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। आज की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि इस सुबह के इंतजार में हम लोग रात भर अच्छे से सो भी नहीं पाए थे। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अभी तकरीबन 5 बजने वाला है और हम लोग उठ गए थे 4:30 बजे। बस फ्रेशर्स होके हम निकलने वाले हैं। प्लान ये है कि ऊपर सनराइज दिखना है, तो लाइट की थोड़ी समस्या है यहाँ पे, तो अभी अंधेरे में फ्लैश लाइट से चल रहा है। बस रेडी हो गए हैं, सामान वामान यहीं छोड़ के जाएंगे, बस सीधे निकलते हैं और सनराइज ट्राई करते हैं, सनराइज दिखे। आई होप बाहर क्लाउडी वेदर ना हो, ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी टच करते ऐसा लग रहा है कि करंट लग गया सब, सीरियसली। तो बराबर रेडी हो जाते हैं। सील हो गया भाई। सो गाइस, तकरीबन 5:16 हो चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट लेट हैं, बट निकल गए यहाँ से। सील, पानी के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे? पानी भाई इतना ठंडा है कि सुबह सुबह मुँह धोया और दांतों में ऐसा लगा कि जैसे ख़त्म ही हो गए मेरे दांत। अब तुम में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ही यार अपने शरीर को इतना कष्ट देना। यार जैसे ना डर के आगे जीत होती है, वैसे ही इस कष्ट के बाद जो सुकून मिलता है ना दोस्त, वो आपके लिए कशिश बन जाता है और आप इन वादियों में मदहोश होने से अपने आप को रोक नहीं पाते हो। सो गाइस, थोड़ा सा उजाला हो गया है, ये कह सकते हो सूरज की पहली किरण पड़ने लगी है और अमेजिंग सीन है। बस हम खलिया टॉप पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है। जो कल हम फील्ड पे आए थे ना, कल वाले व्लॉग में मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मैं एक्चुअली TRC आ गए थे, तो हमने लगा टाइम बचा है तो हम लोग एक नॉन माने आते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा बुग्याल है, छोटा सा फील्ड है, वहाँ तक आए थे, बस वहीं पहुँच गए। आई थिंक वहीं रुक के आज सनराइज देखेंगे और उसके बाद फिर खलिया टॉप जाएंगे, बिकॉज चढ़ने में कहीं मिस ना हो जाए। और एक चीज़ और बता रहा था मैं, हम लोग आए हैं 10th October को, तो अक्टूबर के टाइम में इतना ठंडी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट हाँ रात को बहुत ठंड थी और अली मनी थोड़ी सी ठंड थी, पानी ठंडा था, बट ऐसे जनरली ट्रैक करने में बहुत ही ठंडी लग रही है। जैसे कि आप देखोगे मैंने एक जैकेट ही पहनी हुई है, टोपी भी पहनी थी, जैकेट की तो उतार दिया, तो ठीक है मतलब। और बेस्ट टाइम मुझे लग रहा है कि हम लोग 5:16 निकले थे शायद, तो अगर आप लोग 4:45 या 5 बजे निकल जाओगे तो आप खलिया टॉप तक आराम से पहुँच सकते हो। हो सकता है अगर आपकी आदत अच्छी है तो आप 0 पॉइंट तक भी पहुंच जाए सनराइज देखने के लिए। तो फिलहाल मैं फील्ड पे पहुंच गया हूं और बहुत अमेजिंग स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिल रहा है, सीरियसली मतलब वर्थ हो गया आना। वाओ अमेजिंग। ओह भाई साहब, ये है वो फील्ड जिसकी बात कर रहा था, एक छोटा सा बुग्याल है ये वाला, और ये इसके टॉप में खलिया टॉप है जहाँ पत्थर दिख रहे हैं। तो मैं सील का भी वेट कर रहा हूँ, सील थोड़ा नीचे है, यहाँ से आप साथ ही चलेंगे। सो गाइस, सील यहाँ आ गया है फील्ड में, तो बोल रहा है कि मैं डमरू पत्थर के पास बैठा हुआ हूँ, तुम ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा थक गया है तो वेट कर रहा है वहाँ पे, मतलब सुस्ता रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर ही चले जाता हूँ, यहाँ से बस थोड़ा सा ही है, बिल्कुल सामने चोटी दिख रही है ना, वहीं है खलिया टॉप, तो मैं खलिया टॉप पे जाके वहाँ से वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज वहाँ से थोड़ा 360 व्यू भी दिखेगा और सनराइज़ थोड़ा सा ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, और हो सके तो वहाँ से ड्रोन भी उड़ाता हूँ मैं। जल्दी चलते जल्दी, बस कुछ ही मिनट रह गए, दौड़ लगाओ, एनर्जी फुल आ गई एकदम, है ना। व्यू देख के ना कैसा लगा तुमको व्यू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुमने अगर खलिया टॉप से सनराइज़ देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करना यार, ठीक है ना। तो अभी मैं दौड़ लगाता हूँ जरा ऊपर को, हैं। ओह भाई, ओह माय गॉड व्यूज़, देखो यार, ये देखो ये वाला पार्ट देखो आप, ये रेंज जो है जो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मुझे लगा था खलिया टॉप यहीं पर है, बट रास्ता जा रहा है, तो मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा वहाँ से एक ऑफबीट रास्ता निकाल के पीक में आ गया हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, ये जो ऐसी ऑफ रोड ट्रेल्स दिख दिख के पीक में आ गया हूँ, जो खलिया टॉप का रास्ता है वो नीचे दिख रहे हो आप, सीमेंटेड रास्ता, वो रास्ता जा रहा है, वो जा ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ खलिया टॉप होगा। तो मुझे लगा नहीं तो मेरा सनराइज़ मिस हो जाएगा, ये थोड़ी हाइट वाली जगह है, यहाँ से 360 व्यू दिख रहा है। ओह, थोड़ी सांस फूल ली है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सो गाइस, ये देखो मेरे सामने पंचाचूली पीक, कितने नज़दीक दिख रही है, कितने पास दिख रही है ना। जैसे हर एक ट्रिप की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही इस ट्रिप की भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लेकिन अगर आपको यहाँ तक आने की कहानी देखनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सो इस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था, मैं उस पीक पे था वहाँ पे जो दिख रही है आपको ना ये वाली, तो सीध वहाँ से आ गया था तो हम लोग खलिया टॉप पे आ गए। ये खलिया टॉप है पूरा, वो ऊपर जो दिख रहा है पीक वो 0 पॉइंट है। यहाँ से अमेजिंग व्यू दिख रहा है, सनराइज होने लग गया है। मैं जरा कैमरे को टाइम लैप्स पे लगा देता हूँ। तो गाइस सनराइज़ देखने के बाद अब हम लोग 0 पॉइंट की ओर बढ़ गए हैं। आई होप आप लोगों को टाइम लैप्स अच्छा लगा हो और सनराइज़ अच्छा लगा हो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके तो आप ज़रूर बता देना यार। तो अभी फ़िलहाल 0 पॉइंट की ओर निकल गए हम लोग। वो शील देखो आगे पहुंच गया है मतलब वर्थ हो गया यार सुबह उठ के आना। जो सनराइज़ और वो किरणें पढ़ लीजिए ना पहाड़ों पर, आई एम नॉट श्योर कि कैमरे से कितना अच्छा कैप्चर हुआ है, बट जो आँखों से दिख रहा था ना, बिलीव मी और नॉट, अलग ही एक्सपीरियंस था सीरियसली। हालांकि मैंने केदारकंठा जो सनराइज़ देखा था ना, उसका लेवल तो कुछ अलग था, बट मुझे उसकी याद बस ज़रूर आ गई। तो केदारकंठा का ट्रैक अगर आपने नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने सारी डिटेल्स उसमें दी हुई है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कैसे बुकिंग करानी है एंड ऑल। यार ये एक चीज़ यहाँ पे ना पता नहीं जाले जाले से लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या है इसका मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ना, ये मैं पूरा नेट से लगा रखा है पूरा, पता नहीं इसका मतलब क्या है। मैं भी पानी रोकने के लिए बनाया है या फिर यहाँ पर कैंपिंग होती होगी पहले, पता नहीं। अगर आप लोगों को किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है, क्यों लगाते हैं इसे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हर जगह पे लगा है, कई जगह पे लगा हुआ है एक्चुअली। तो भाई देख लो लोंडे फुल जोश में है। कौन आया? सो गाइस हमको यहाँ पे दो भालू दिखे हैं, इसलिए हम अब सबमिट नहीं कर पाएंगे, वापस जाएंगे। सो गाइस अभी सीन ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा क्लिप में, हमें यहाँ पे कुछ जंगली जानवर दिखे थे, और हमने जब मोबाइल से जूम करके देखा, फुल जूम 60x जूम करके देखा, तो ब्लर ब्लर सा हमें कुछ बियर्ड्स वगैरह टाइप के दिख रहे थे। बट हमने थोड़ा वेट किया और फिर दोबारा जब थोड़ा सा नीचे आ गए थे और दोबारा चेक किया, तो फिर दोबारा ऐसा लगा कि हमें शायद वो घोड़े हैं, खच्चर है। तो हम लोग बड़ी सावधानी के साथ साथ दूर दूर होते हुए उनसे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे, बिकॉज जान को रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और 0 पॉइंट थोड़ा यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नज़दीक है बट है थोड़ा दूरी, बट धीरे धीरे चल रहे हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे यार, बिकॉज लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते ना यार, क्योंकि वो कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही जो भी है जंगली जानवर है यार। अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, अगर भालू हुआ तो पेड़ में चढ़ जाएँ, ऐसा सीन भी नहीं हो रहा है। और थक भी इतना गए हैं कि भाग भी नहीं सकते। खैर जब जान पाई तो बहुत सब लोग भाग जाते हैं। सबमिट तो करना है, ये दिल मांगे मोर, ठीक है, और हो रहा है मेरे पाँव में दर्द, तो मैं भाग तो पाऊँगा नहीं, तो यहीं कहीं छुप जाऊँगा, देखा जाएगा। आज भालू से अगर दो दो हाथ भी करने पड़े तो वो भी कर देंगे आज तो। मतलब फुल जोश में हो, फुल ऑन। सो गाइस ये अलग सी एक चीज़ दिखी हमें, पूरे यहाँ पे कहीं एक सिंगल पेड़ भी नहीं है पूरे बुग्याल में, सिर्फ ये जो झाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, इसमें थोड़े फूल टाइप के भी लगे हैं, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं ये। पास तो हम जाएंगे नहीं, बिकॉज थोड़ी घनी झाड़ियाँ हैं, अंदर से जंगली जानवर निकल सकते हैं, तो हम साइड साइड से जाएंगे, बट ये इतनी एरिया में है और बहुत ही ज़्यादा है घनी। सो गाइस थिंग इज कि रास्ता हमें पता नहीं लग पा रहा है, हम लोग थोड़ा सा ऑफबीट आ गए ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, तो जो मेन रास्ता है वो दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो आप लोग अगर आओ 0 पॉइंट के लिए तो बहुत देख दुख के आना रास्ता, मुझे तो रास्ता बिल्कुल नहीं दिखा, तो हम ऐसे ही ऑफबीट ट्रेल्स में आ रहे हैं देखो। सो गाइस फाइनली हमारे वास्कोटी गाँव ने शील भाई ने एक सही डायरेक्शन बताया और तुरंत हमें रास्ता मिल गया है। देखो ये पगडंडी जो दिख रही है ना आपको, यही रास्ता है, पहाड़ी होने का फायदा। हाँ ये पगडंडी हमारे बगल बगल सी थी, बस हम वो ट्रेल भटक गए थे ना, तो उधर साइड से आ रहे थे। हालांकि मैं वहाँ तक पहुँच गया था, बट वहाँ से मुझे एकदम से वो खाई दिख रही है ना सिर, वो वहाँ पत्थर से देखा ना जब मैंने, तो नीचे खाई दिख रही थी, तो मैंने कहा इधर को खाई इधर को मुड़ जाते। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है सामने,
ये यही वो पहाड़ है जहाँ पर हमें वो भालू दिखे थे दो, जो मैंने नीचे से देखे थे ना जूम करके, आपको वीडियो में देखा होगा आपने अभी। तो हम लोग बहुत ध्यान से चल रहे थे कि वो कहीं आसपास तो नहीं है, और हमने बहुत जगह जूम करके देखा। हालांकि उसकी वजह से हमें तकरीबन आधा घंटा लेट हो गया है, हम थोड़ा ऑफ बीट ट्रैक भी हो गए थे बिकॉज हम लोग बहुत दूर हट हट के चल रहे थे। बट स्टिल अभी यहाँ से कोई ख़तरा नहीं दिख रहा हमको, दूर दूर तक कोई जानवर नहीं दिख रहा है, और धीरे धीरे हम बहुत ध्यान देते हुए चल रहे हैं। और शील ने एक डंडा भी पकड़ लिया है ताकि कोई आ जाए तो हम डंडा दिखा सके कुछ अपनी सेफ्टी के लिए। बट हमने सोचा कि आए हैं तो यार सबमिट करके ही जाएंगे, तो हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों शील भाई नहीं, आओ पानी पिलाओ जरा यार, आओ इधर को। ये अब खुल गए सील भाई, बॉडी खुल गई एकदम। वो मूवमेंट देखा तूने जब ऊपर का सन आ रहा था अल्टीमेट, वहां से तो पूरा येलो इस। तूने वीडियो लिया? वीडियो हां लिया है, पर उतना खाली तो मैं तुमने बना ही लिया। सो हे गाइस, हम लोग आ गए हैं सही रास्ते पे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पीछे यहाँ पे फिर भी रास्ता है। अब मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ गलत चले गए थे। अब शायद अभी आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे वो पत्थर का झुंड, हम वहाँ कहीं पे चले गए थे, और वहाँ से हम डायरेक्टली इस रास्ते होते हुए ऐसे ऊपर आए 90 डिग्री पे, तो हम वहाँ पे कहीं फंस गए थे। अच्छी बात यह है कि नीचे कहीं पानी का दिख रहा है जो कि यहीं से होते हुए जाएगा। बकायदा हमारे पास पानी बहुत है, हमारा हो जाएगा, बट फिर भी आगे अगर पानी मिल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ट्रैक के लिए, जाते वक्त पानी की कमी नहीं पड़ेगी। और तो यहाँ हमारे तिवारी जी आते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। सो गाइस फाइनली वो देखो मेरे सामने, वो है 0 पॉइंट, और ये रास्ता वहीं जा रहा है। थोड़ा सा रह गया बस, 1 मिनट का रास्ता भी रह गया। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने फाइनली अचीव कर लिया ये। तो एक बार तो मन कर रहा था कि भालुओं को देख कर के चले जाएं वापस, लेकिन ठीक है ये दिल में आ गए, और कुछ कहने को नहीं है अभी मेरे पास। ओ भाई मज़ा आ गया। सो गाइस चलते चलते ना मुझे एक चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे फूट प्रिंट दिखा है एक किसी जानवर का, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ किस जानवर का है। अभी सील आएगा तो सील देख के बताएगा, पता नहीं मुझे तो ये बड़ा लग रहा है, मुझे तो कहीं ना कहीं बाघ का लग रहा है या फिर ये भालू का है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप पहचान पाओगे तो मुझे कमेंट करके बताना। ये देखो ये तीन इसमें पंजे दिख रहे हैं, और ये पीछे से हल्का सा ये जो ये वाला एरिया होता है ना बड़ा, इतना बड़ा पंजा मुझे नहीं लगता कि घोड़े का होगा, ये तो भालू का है या बाघ का है। देखो ये इतना बड़ा पंजा है भाई, ये इसका वो है, ये पाँव वाला एरिया, ये नाखून है, देख तीन या चार नाखून है। अबे साले घोड़ा का ऐसा नहीं होता ना, ये देखो ना दूसरा पाँव का निशान, ये घोड़े का देखो, ये घोड़े का है तो पहला पाँव यहाँ पड़ा है, दूसरा पाँव यहाँ पड़ा है। नहीं अबे निशान में अंतर देखना, ये घोड़े के नाल का दिख रहा है ऐसे गोल, ठीक है ये नहीं मैंने कुछ नहीं करा है, वैसे का वैसे ही है। इसमें मुझे ये दिख रहा है ये तीन पंजे, देख 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लगते हैं ना, और ये गद्दा वाला पार्ट होता है ना गद्दे वाला, ये वो लग रहा है यहाँ से इधर को गया है। सो गाइस ये देखो यहाँ पे हम 0 पॉइंट के पास पहुँच गए, ये लैंडस्केप कितना अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ पे आवाज इको भी हो रही है, देखो हेलो हेलो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, इको हो रही है आवाज, हिट द बेल आइकन यो। वो चट्टानों के वैसे इको हो रही है ना। फिलहाल ये है 0 पॉइंट हमारे सामने एकदम, बस ऊपर सीधे चढ़ते हैं, वहाँ पर टॉप में बैठते हैं और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखो ये देखो, ओ भाई। सो गाइस खुशी का पल आपको जब सम्मिट का झंडा दिख जाता है, ये सामने फैल रहा है मेरे सामने। यहाँ से एकदम स्टीप है, बहुत भयंकर स्टीप है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा, लेकिन समिट का झंडा दिखती ना पूरी थकान एक तरफ, एक्साइटमेंट एक तरफ। सील एक झंडा दिख रहा है सामने लगा हुआ समिट का, सामने थोड़ा सा यहाँ पर आ दिखेगा, बहुत अमेजिंग लग रहा है, पूरी थकान मिट गई यार देखती, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, थ्रिल मतलब यार आना वर्थ हो गया टोटली। एक्चुअली बताए मैं एक तो कैमरा बैग लेके चल रहा हूँ, साथ साथ में एक चेस्ट माउंट लगाया हुआ है, इससे क्या हो रहा था कि ये ना टाइट हो रहा था, तो मेरे लंग्स प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ज़्यादा थकान लग रही थी। तो अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसे खोल लेना चाहिए, तो मैंने अभी खोल दिया थोड़ा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। देख लो यार दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियोज़ बनाने के लिए, इतना भारी कैमरा पकड़ा हुआ है, इतना भारी बैग लेके आया हूँ, कैमरा बैग और चेस्ट माउंट सारी चीज़ें। तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है यार,
इतना तो तुम कर ही दो यार, मान लेती मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे आना जरूरी है, बट आप लोगों को दिखाना भी बहुत जरूरी है हर एक चीज़, ताकि आप लोगों को आने में प्रॉब्लम ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत चल रही है। ठीक है, इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और सही, बट आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए यार, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ यार, दबा के शेयर करवाओ। चलो फिलहाल मैं समिट में जाके बैठता हूँ, फिर वहीं जाके बात करता हूँ, बिकॉज बोलने में ना सांस भी फूल रही है। सो गाइस, ये रहा मेरे सामने समिट का झंडा और ये भोलेनाथ का मंदिर। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। ओ वाह, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है यार, सीरियसली। हर हर भोले, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वाह, ओ भाई साहब, हो फाइनली मजा आ गया यार, सीरियसली पूरी थकान मिट गई। अब तुम में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ही यार अपने शरीर को इतना कष्ट देना। यार जैसे ना डर के आगे जीत होती है, वैसे ही इस कष्ट के बाद जो सुकून मिलता है ना दोस्त, वो आपके लिए कशिश बन जाता है, और आप इन वादियों में मदहोश होने से अपने आप को रोक नहीं पाते हो। सो गाइज, काफ़ी समय यहाँ पे हमने स्पेंड किया, मेडिटेशन वगैरह किया, और एक्चुअली हम लोग ना बैठे थे थोड़ी देर यहाँ पे, जैसे आए थक भी गए थे, तो धूप सेकने लग गए थे, निश्चित धूप आ रही थी, और उसके बाद अपने आप गुम हो गए दोनों, ये अपने आप में गुम हो गया। फिर मुझे अच्छा सा ध्यान लग रहा था, तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, और अलग तरह का पीस यहाँ पे मुझे आराम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और जब भी आप ऐसी जगह जाते हो ना, ज़रूर एक बार ट्राई करना मेडिटेट करने का, या फिर कुछ भी शांत रह के बैठ के देखना, काफ़ी अच्छा लगता है। सील, तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे समिट में आके, यहाँ पे बैठ के जैसे अभी हमने एक्सपीरियंस लिया? यहाँ काफ़ी प्यारा माहौल था, एक तो बहुत ही शांत है यहाँ पे, ऐसा है कि लाइक आप कितने भी घंटे बैठ सकते हैं, आपको जाने का मन नहीं करेगा। अगर हमें वापस यहाँ से अभी नहीं जाना होता, तो यहाँ पे आराम से नहीं भी तो हम 3 से 4 घंटा स्पेंड करते, अगर हमारा आज यहीं पे स्टे होता। बट समिट एक लाइक ऐसी जगह है, ये नहीं कोई भी समिट, बहुत पीसफुल। समिट तक आना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट समिट में अगर पहुँच जाए तो पूरी वर्थ होती है पूरी जर्नी आपकी। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात, सील साहब। तो यार आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, तो हम लोग जब आए थे, हम लोग करीबन आपने देखा था वीडियो में, हम लोग 5:30 बजे करीब निकले थे, तो हमें 2 घंटे लगे थे आने में, बीच में एक वाकया भी हो गया था, आपने देखा होगा, भालू वालू वाला, तो हमें थोड़ा सा टाइम वहाँ पे ज़्यादा लग गया। और हमने यहाँ पे तकरीबन गुजारा है, हम कितने बजे आए थे सील यहाँ पे? 7:45 बजे, 7:45 बजे पहुँचे, 7:45 से 9 बज रहा है अभी, हमने इतना समय यहाँ पे समिट पे स्पेंड किया प्रॉपर, और अब हम डिसेंड करेंगे, बिकॉज आज हमें यहाँ से निकलना है और पूरा ट्रैक डाउन करना है, उसके बाद फिर सीधे वापस घर जाना है। मुंशारी का देखेंगे अगर एक्सप्लोर कर पाएंगे, बिकॉज टाइम की कमी है, हमें सीधे हल्द्वानी जाना है डायरेक्ट, 13 घंटे की ड्राइव करनी है, तो यही है। और तो 2 घंटे आप मान के चलो ऊपर आने के लिए समिट में, अगर आप बिगनर हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग्स में थोड़ा सा स्टीप है और समिट में भी थोड़ा सा स्टीप है, तो आप 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना। तो हम थोड़ी देर में यहाँ से डिसेंड कर लेंगे। तो यार हम पहाड़ियों की ना एक खास बात होती है, हम हर एक पल को हंसी और खुशी के साथ जीते हैं। तो गाइस, ये जो रास्ता है ट्रैक का, बीच में से ना ये टूट जाता है, मतलब बीच में कोई रास्ता मिलेगा नहीं आपको, यहाँ से हम भटक भी गए थे जो मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ से आपको करना है इन पत्थरों से ऐसे करके आना है, और ये छोटे मोटे एक पत्थर हैं, इनको क्रॉस करना है, ये पत्थर क्रॉस कर लोगे दोबारा बुग्याल में एंट्री हो जाएगी, तो बुग्याल में एंट्री हो जाएगी, तो फिर वहाँ से तो नॉर्मल खलिया टॉप बुग्याल ही हुआ। ये जो मेरे पीछे पत्थर देख रहे हो ना, पत्थर थोड़े से टफ हैं, तो जूते प्रॉपर होने चाहिए भैया, मतलब हो सके तो बूट पहन के आना, हाई एंकल,
तो आपको ट्रैकिंग में आसानी भी होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। फाइनली रास्ता तो वहीं पर ख़त्म हो गया, जाके एंड हो गया है, बट दिल अभी भी कह रहा है कि किसी एक टॉप पे तो जाके ही आएंगे। समिट टॉप ही होता है तो नीचे तो नहीं रुकेंगे, रास्ता हो या ना हो चढ़ेंगे ऊपर ही आज। सील जोश में पूरे आएंगे, पूरे जोश में। और क्या, बिल्कुल चलें। चलो, क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत अच्छा खाना खिलाया हमें। सो गाइस, ये भी अपने आप में जन्नत है। देखो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और सामने पंचाचूली की पीक, वाह क्या नज़ारा है। तो ये फायदा है भैया माउंटेन में ट्रैकिंग करने का, क्यों भैया? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, बिल्कुल।